हेलो स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम निमेटोड्स स्टडी कर रहे हैं निमेटोड्स नॉन सेगमेंटेड खंडविहीन वर्म्स होते हैं कुछ निमेटोड्स प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं ये हमने इनके करेक्टरिस्टिक्स में स्टडी किया था बट मेजोरिटी ऑफ निमेटोड्स जो हैं दे प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन सॉइल फ्री लिविंग निमेटोड्स चार ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइट बैक्टीरियल फीडर्स जो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं फंगल फीडर्स जो फंजाई की सेल वॉल को पंचर करके उसके इंटरनल कंटेंट्स को सक करते हैं थर्ड है प्रीडेटरी निमेटोड्स जो प्रोटोजोनस पर फीड करते हैं और फिर हैं ओमनी जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और इनकी डिफरेंट लाइफ स्टेज पर डिफरेंट डाइट होती है कुल अट्ठाईस हजार स्पीशीज निमेटोड की अब तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं जो क्लासिफिकेशन हम निमेटोड का स्टडी करेंगे तो निमेटोड्स जो है वो एक ग्रीक टर्म से बना है निमा मीन्स थ्रेड ईडियोस मीन्स फॉर्म यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्म जो है उसे हम निमेटोड कहते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लैटफॉर्म्स एंड टेपवर्म्स ऑफ लोअर फाइला हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे कि ये फ्लैटवर्म्स और टेपवर्म्स से अलग होते हैं क्योंकि इनमें सूडोसीलोम प्रेजेंट होता है और फ्लैटफॉर्म्स ऑफ टेपवर्म्स जो है वो ए सीलोमेट होते हैं यह लार्जेस्ट फाइलम है सुडोसीलोमेट ग्रुप्स का बहुत डाइवर्स फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है वो निमेटोर्स में प्रेजेंट होता है जनरली निमेटोर्स जो हैं दे आर रेफर टू एज नॉन सेगमेंटेड राउंड वर्म्स राउंड वर्म्स इनको हम कहते हैं नॉन सेगमेंटेड हैं यानी कि ये खंड विहीन हैं थ्रेड वर्म्स या फिर पिन वर्म्स तो इनको हम इन तीन कॉमन नेम्स से पहचानते हैं राउंड वर्म्स थ्रेडवर्म्स और पिनवर्म्स एस्केलमेंथीज और निमेटी हेलमेंथीस इसको हाइमेन ने इन दोनों को डिस्टिंक्ट फाइलम माना था दोनों को डिस्टिंक्ट फाइलम का दर्जा दिया था ही इंक्लूडेड वेरियस क्लासेज इन टू दिस फाइला इस फाइला में एस्केलमेंथीज में या निमेटी हेलमेंथीज में उसने कई सारे फाइल जो है वो इंक्लूड किए थे लेकिन बाकी जुलोजिस्ट जो हैं वो एस्केलमेंथीस या फिर निमेटी हेलमेंथीस को एक सुपर फाइलम मानते हैं और कई सारे फाइला जो हैं वो इस सुपर फाइलम में इंक्लूडेड करते हैं जैसे रोटीफेरा गैस्ट्रोट्राइका, निनो आ, किनो राइनका निमेटो, मोफ एंड निमेटोडा लेकिन 1933 में चिटवुड ने निमेटोडा को दो क्लासेस में डिवाइड किया फैसमेडा एंड ए फैसमेडा किसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स तो पहली क्लास जो है वो है ए फैसमेडा ए फैसमेडा या एडिनोफोरिया का क्या मतलब है एडिनोफोरिया ग्रीक में मतलब है ग्लैंड बेरिंग ए फैसमेडा विदाउट फैसमिट्स तो वो एनिमल्स जिसमें कि निमेटोड्स में जिनमें एम्फिड्स यानी कि इसमें दो सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स एंड पोस्टीरियर सेंस ऑर्गन्स तो एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स को एम्फिड्स कहते हैं और पोस्टीरियर सेंस ऑर्गन्स को फैसमिट्स कहते हैं तो वो एनिमल्स जिसमें एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पोस्टीरियर सेंस ऑर्गन्स जो कि कीमोसेंसरी इन नेचर होते हैं वो एबसेंट होते हैं वो सारे एनिमल्स जो हैं वो ए फैसमिडा में आते हैं यानी कि ए फैसमी फैसमिट्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं ज़्यादातर स्पीशीज जो हैं इसमें उनमें कॉडल एधेसिव ग्लैंड या एपिडर्मल ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर सेंस ऑर्गन्स या एमफि जो होते हैं वो पोस्ट लेबियल होते हैं और उनके शेप जो है भी वो कई तरह की हो सकती है वो पाउच लाइक हो सकते हैं या फिर वो ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं इंटीरियर सेंस ऑर्गन जो कि पोर लाइक हों साइट्स जो हैं वो इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो इसमें सिर्फ रिनेट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिनमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं मेल्स में जनरली दो टेस्टीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ज़्यादातर ये मरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्री लिविंग और पैरासिटिक स्पीशीज़ जो हैं वो भी इस क्लास में पाए जाते हैं फ्री लिविंग स्पीशीज़ जो हैं वो दोनों तरह के होते हैं टेरिस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर ये एनिमल्स जो हैं वो कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेक्टस ओडोन्टोफोरा ट्राइकोडोरिस इनोप्लस एंड एंटी कॉमा सेकेंड क्लास जो है दैट इज फेस्मिडा। फेस्मिडा में क्या है कॉडल फेस्मिड्स प्रेजेंट होते हैं तो क्योंकि इनमें फेस्मिड्स प्रेजेंट हैं इसलिए हम इनको फेस्मिडा कहते हैं पोस्टीरियर सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं एम्फिट्स भी हैं वो भी इनमें प्रेजेंस होते हैं लेबियल एम्फिट्स जो हैं वो इसमें पोर लाइक होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैनाल -like लाइक -like होता है इसमें और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एपिडर्मल और कॉडल एधेसिव ग्लैंड जो हैं वो इसमें एबसेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं द मीजेंटेरियल टिश्यू जो है वो इसमें वेल डेवलप्ड नहीं होता है जैसे कि बाकी एनिमल्स में होता है मेल्स में टेस्टीज जो है वो सिंगल होती है एक ही होती है ज़्यादातर ये फैस्मिडा क्लास के जो एनिमल्स हैं वो पैरासिटिक होते हैं कुछ फॉर्म्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं और वो लार्जली टेरिस्ट्रियल होते हैं एग्जाम्पल्स हम फेस्मेडा क्लास के देखें तो इसमें है रेबडिटिस एनसाइक्लोस्ट्रोमा जिसको कॉमनली हम हुकवर्म कहते हैं एंट्रोबियस जिनको हम पिनवर्म कहते हैं एस्केरियस जिसे हम राउंड वर्म कॉमनली नेम जो उसका राउंड वर्म है और ड्रैगन क्यूलस ड्रैगन क्यूलस यानि कि गिनी वर्म नाउ फाइलम निमेटोडा जो है उसमें नाइनटीन ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं हालांकि हमें क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लासेस तक ही पढ़ना है लेकिन अगर हम आगे क्लास देखें क्लासेस को फर्दर डिवाइड करें ऑर्डर्स में तो इसमें नाइनटीन उन्नीस ऑर्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन उन्नीस ऑर्डर्स में से सेवन जो हैं सेवन जो ऑर्डर्स हैं उनमें जितने भी निमेटोर्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स पर और सिक्स ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं निमेटोड्स की वो पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स में तो सात ऑर्डर्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ पैरासाइट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स पर और छः ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी की स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स पर निमेटोर्स जो हैं दे आर रिपोर्टेड एज पैरासाइट्स एंड एसोसिएट्स ऑफ मैनी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जैसे हमने देखा ज़्यादातर क्यों इनको ये कहते हैं क्योंकि सेवन ऑर्डर्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स पर पैरासाइट्स हैं कौन कौन से हैं वो फाइलम्स जिन पर ये पैरासाइट्स हैं एनालिडा मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं वो एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह एक्ट करते हैं लेकिन जो स्पीशीज़ है निमेटोड की वो अपनी लाइफ स्टाइकल जो है वो वर्टिब्रेट के में पैरासाइट के रूप में कंप्लीट करती है उनमें इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह एक्ट करते हैं कुल अट्ठाईस हजार स्पीशीज़ जो निमेटोड की आइडेंटिफाइड हैं उनमें से पाँच हज़ार स्पीशीज़ जो हैं निमेटोड्स की वो वर्टिब्रेट एनिमल्स और ह्यूमंस पर पैरासाइट्स होते हैं सो so, स्टूडेंट्स आज हमने एक और फाइलम कंप्लीट किया उसका क्लासिफिकेशन स्टडी करके और वो था निमेटोड्स नेक्स्ट क्लास में हम एक नया फाइलम स्टडी करेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासीफिकेशन्स स्टडी करेंगे